अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी इमेज को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट करके और उसे कॉपी करके सेंड वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है टेक्स्ट फेरी। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, आप इसको प्ले स्टोर पर ईजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ यूँ है, ठीक है। ये आप कैमरे पे क्लिक करके आप डायरेक्ट फ़ोटो खींच के उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ये साथ गैलरी का ऑप्शन है, आप इस पर सिंपली क्लिक करके तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी की कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आपको क्रॉप का ऑप्शन देगा, इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये आपको एरो का ये आप इसको इस तरह क्रॉप करेंगे और ये आपको नीचे एरो का आइकन नज़र आ रहा है, आप इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो ये इस तरह होगा। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ से आप इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो इमेज थी वो अब टेक्स्ट फाइल में है और आप इसको कहीं भी सेंड वगैरह कर सकते हैं, इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे आप बहुत सी हेल्प ले सकते हैं। यूजली जो लोग नोट्स वगैरह करते हैं यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर वो नोट्स से इरीटेट होते हैं तो वो उसको नोट्स को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करके ईजिली एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं या रीड आउट कर सकते हैं ईजिली। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।